महर्षि दयानंद और अमर हुतात्मा हमारी गुरुकुलीय संस्कृति के गौरव वेद परंपरा के पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद न होते तो स्वामी रामदेव भी आपके बीच में ना होता। मुझे अपने ऋषि परंपरा पर, वेद परंपरा पर, महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा पर गौरव है और मैं गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आप जो भी यहां पढ़ रहे हो, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट उसकी एक सीमा है, एक परिधि है और उसका एक महत्व भी है। इसलिए भाषा और विषय का बोध आप, या मेडिकल की भी, इंजीनियरिंग की भी, प्रबंधन की भी, योग की भी, और गुरुकुल में वेद की शिक्षा की और अलग अलग शिक्षा की जो शाखाएं हैं उनकी व्यवस्था है। गुरुकुल मात्र भाषा ही बोध के लिए नहीं है, गुरुकुल मात्र विषय बोध के लिए भी नहीं है। गुरुकुल का सबसे बड़ा जो गौरव है गुरुकुल आत्मबोध के लिए है, गुरुकुल सनातन बोध के लिए है, वेद बोध के लिए है। और गुरुकुल जो है, जो हमारी शाश्वत परंपराएं हैं और एक एक व्यक्ति में जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विधाता पिता परमेश्वर ने दी, उन शक्तियों को जानने का, उनको जगाने का और उनको सही दिशा में लगाने का एक अनुष्ठान है, उसका एक अभियान है, एक आंदोलन है। मैं कहीं पर भी जाता हूं तो सबको बताया स्वामी रामदेव गुरुकुल में पढ़ा हुआ है, तो सब मेरे से ये बोलते हैं गुरुकुल कांगड़ी का पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि गुरुकुल का मतलब गुरुकुल कांगड़ी। जैसे आज योग का मतलब पतंजलि योगपीठ है, तो गुरुकुल का मतलब गुरुकुल कांगड़ी है अभी भी पूरी दुनिया में। ये तो थोड़ा दुख भी होता है, मुझे 10-15 साल हो गए, ये जो सरिये ऊपर निकले जंग लग गए इनके, इसमें ऊपर कुछ बन नहीं रहा। जब मैं इधर से गुजरता हूं तो कुछ मकान ढह गए, नए नहीं बन रहे कहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है, थोड़ा अंतर आत्मा को दुख होता है। मैंने तो बहुत कहा था शुरू में, मैंने कहा जो पुण्य भूमि है, जो पुराना गुरुकुल है, ये मुझे दे दो, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल बना दूंगा। फिर इनके आपस में झगड़े चलते रहे, तो ज्वलन जी भी बोल रहे थे अभी आर्य, अब भविष्यवाणी करेंगे कि 20-25 साल और झगड़ेंगे, आप तो रहोगे ही नहीं तब तक। इसलिए मैंने सोचा, वैसे कई बार मैंने सोचा कि इस काम को कर दूं, लेकिन इस बार तो मैंने सोच ही लिया है कि आर्य समाज के झगड़े भी मैं ही मिटाऊंगा। क्या फालतू में, और कुछ मामला नहीं है, बोले झगड़े क्यों रहे, बोले ना कोई बस ये थोड़ी बहुत तू मैं है। ये जो कल्याण मार्ग का पथिक है ना, जब मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ा करता था, देखो मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने 99% अष्टाध्यायी, उपनिषद, कुछ वेदांश, कुछ वेदांग, कुछ आयुर्वेद, ये तो पढ़ लेता था मैंने। अच्छा, मेरे को महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिख रखा सत्यार्थ प्रकाश में कि जो मनुष्यकृत जो ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, जो है ऋषियों के ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए। तो मैं जो है दयानंद का पक्का चेला, तो मैंने मनुष्य लिखित किताबें पढ़ी नहीं, मैं आपको सच बोलता हूं 99%। लेकिन ये किताब आ गई तो मैंने कहा तो गुरुकुलों के उद्धारक हैं, तो इसमें अभी मैं ढूंढ रहा था बहुत दिनों के बाद, 35 साल पहले की बात है, 35-40 साल पहले, तो अभी ढूंढूंगा बाद में जाके। इसमें लिखा, अब बाकी भी मैंने पढ़ा पूरा, मैं उनकी जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब तक दम में दम है, मैं कई बार बोलता हूं इस बात को, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, बिना किसी बात की परवाह के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वो आएगा जब आपका विरोध करने वाले भी आपके साथ चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने करके दिखाया, हमको बोलते थे गांव में मां बाप अनपढ़, सरकारी स्कूल में पढ़े एक टीचर और 200-250 अध्यापक, और वो भी कभी कभी बीड़ी पीने लग जाते हैं। फिर गुरुकुल में पढ़े तो गांव में कहते थे हाँ यो राम किशनियो,
यो करे को रीट पूछूं आवे को नहीं है नाक साफ करना आता है। जब गुरुकुल में पढ़े तो पहले गुरुकुल वाले संस्कृत पढ़ने वाले क्या करेंगे, आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म का झंडा किसी ने थामा हुआ तो गुरुकुल में पढ़ने वाले ने थामा हुआ। जिन्हें इन चीज को टक्कर देना तो बहुत दूर की बात नहीं, उनके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था, उन एमएनसीज का शीर्षासन हमने करवाया है। और अभी तो चल रही यात्रा कोई भी थमी नहीं है, अभी तो चरही बेती जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना चाहिए लगे हुए। मैं आपको इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, विचारधाराओं सिद्धांतों मूल्यों आदर्शों में छोटा छोटा भेद है, लेकिन मूलतः तत्वतः हम कुछ बड़े सिद्धांतों पर एकमत है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति के उपासक है। जो शुद्धता, जो प्रामाणिकता, जो चरित्र, जो आचरण की शुचिता और सिद्धांतों की पारदर्शिता, चिंतन की वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के विचारों में है, वो शायद ही कहीं मिलेगी। बहुत ये बड़ा दर्शन है, और इसलिए गुरुकुल के विद्यार्थियों को, गुरुकुल के प्राध्यापकों को, गुरुकुल के सारे गुरुजनों को अपने हृदय में इस गौरव को रखना चाहिए हर समय, और निरंतर कुछ बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माना कि कुछ चैलेंजेज हैं जो संस्थागत चुनौतियां हैं, उनको भी हम ठीक कर लेंगे, आर्य समाज के भी जो प्रश्न उनका भी समाधान कर लेंगे, लेकिन बड़े हमारे सामने वैश्विक प्रश्न हैं, और उन वैश्विक संदर्भों में भी हमें बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और एक एक जो गुरुकुल के जो प्रोडक्ट हैं, आजकल सब भौतिकवादी भाषा हो गई है ना, बोले ये कहाँ का प्रोडक्ट है, बोले ये नरेंद्र मोदी जी कहाँ के प्रोडक्ट हैं, बोला ये आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। फिर अलग अलग लोगों के बारे में बहुत तरह की बातें होती हैं, बोले ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ के प्रोडक्ट हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने टीवी चैनलों पर बहुत बहस सुनी होगी, एक बहस के ऊपर दो संगठनों को बड़ा घेरते हैं, बोले तुम्हारा देश की आजादी में तुम्हारा क्या योगदान है, और रोज घमासान मचा रहता है। ये बयान आपने हजार बार सुना होगा, लेकिन आर्य समाज के बारे में पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि आर्य समाज का आजादी में क्या योगदान है, 50% से ज्यादा योगदान। घोर कांग्रेस सीतारामैया कहता है कि आर्य समाज का है, वो तो और ज्यादा बढ़ा के बोलता है, कहीं 85 तक पहुंच जाता है। आर्य समाज का योगदान देश की आजादी में, आर्य समाज का समाधान इन देश के हिंदुओं की एकता में, इस देश में छुआछूत भेदभाव अस्पृश्यता और हिंदू समाज की सारी कुरूतियों को दूर करने में किसी का योगदान है, और अपनी निजता के आधार पर इस देश का गौरव स्वाभिमान जगाने का किसी ने काम किया तो महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज। आप सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन करो, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, गुलाम भारत में, अंग्रेजों के वक्त में यदि भारतीय शिक्षा परंपरा का सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने शुरू किया तो स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया, यह गुरुकुल है। चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सा की आजादी, चिकित्सा की आजादी गुरुकुल कांगड़ी, और ये जो पूरी आयुर्वेद की परंपरा का पुनरुद्धार स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था, क्या था, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, फिर डीएवी, और वो थोड़ा बहुत तो भाषा ही थोड़ा बहुत मतभेद था, उसमें वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। महात्मा हंसराज हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, इस देश में पिछले 200 वर्षों का शिक्षा का सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने शुरू किया तो आर्य समाज है, ये गौरव होना चाहिए हमको। और अपने पूर्वजों की उस पुण्याय का स्वाभिमान अपने हृदय में सजो करके अभी भी नए कीर्तिमान हमें गढ़ने, कोई हमारी यात्रा भी रुक नहीं गई है, अभी तो चरही वेती बात चलना, आगे बढ़ना है। आर्थिक आजादी का आंदोलन, बैंकिंग व्यवस्था में लाला लाजपत राय जी ने पीएनबी की स्थापना करके आर्थिक आजादी के आंदोलन का बीजारोपण किया था, और उसकी फिर अनेक शाखाएं हैं। आजादी का आंदोलन तो एक बहुत बड़ा शब्द है, आर्थिक आजादी, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक आजादी, और आज जो एक शब्द हमने पूरे हिंदू समाज में गुंजायमान किया है, कुंभ हो चाहे कोई राष्ट्र और विश्व का बड़ा मंच हो, हमने एक वाक्य बोला सब जगह, और जो बहुत बड़ा दर्शन है,
सभी हम एक समान हैं, सभी हम महान हैं और सब एक ऋषियों की, एक ही पूर्वजों की, एक ईश्वर की संतान हैं। ये विचार महर्षि दयानंद और सिद्धानंद का और वेदों का है। नहीं तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर उधर से निकल कर क्या आ जाते हैं, बोलो गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं परशुराम, फिर वो आ जाता मामला। अरे फिर गर्व से कहो सब हिंदू हैं और सब समान सब महान हैं, तो फिर ये जातीय अहंकार कहां से आ गया। गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम अहीर महान हैं, गर्व से कहो हम दलित महान हैं, गर्व से कहो हम वनवासी दलित और पता नहीं क्या क्या अलग अलग प्रकार के, ये जो समाज के अंदर विघटन के जो बीज बोते हैं। महर्षि सिद्धानंद ने इस देश को समानता, एकता, स्वाधीनता, आत्मगौरव, सब प्रकार के भेदभावों से परे एक सत्य का मार्ग बताया। और सत्यमेव जयते ये तो शासन का उद्घोष बनकर के रह गया। इस पिछले 500,000 वर्षों में सबसे बड़ा सत्य का उद्घोषक और उपासक को है तो महर्षि सिद्धानंद हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश मात्र एक ग्रंथ नहीं है, उनकी एक हृदय की संवेदना है। इसलिए ये तो उन महापुरुषों के प्रति अपने कृतज्ञता के कुछ भाव मैंने कहे। अब हमारे बहुत ही ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं श्रद्धे ज्वलंत शास्त्री जी, बड़े ज्वलंत रहते हैं। अब ज्वलंत अंदर अंदर से जलने से बात नहीं बनेगी, बोल रहे मेरे हृदय में अग्नि धधक रही है, तो अब जितनी भी आग धधक रही है लगाओ और प्रकाश फैलाओ। जलन जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, आज से इनको उठा के पतंजलि में लेके जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास काम है। हमने अब आप कह रहे हो कि एक वाक्य दो वाक्य क्या, मैं तो कहता हूं आप पूरी शिक्षा व्यवस्था में वेद और महर्षि सिद्धानंद के विचारों को डालिए। प्री प्राइमरी से लेकर के LKG UKG से लेकर के 12वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम बन रहा है नई शिक्षा नीति के अनुरूप, उसमें महर्षि सिद्धानंद वेद और सनातन के पूरे विचार का समावेश होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड में। या एक एक बात लिखने में आपने कहा एक प्रश्न आया तो उसी के ऊपर ही बखेड़ा मच गया बात। और एक बात और कहता हूं, मैंने भारत का दर्शन किया है, लगभग 25 लाख किलोमीटर घूमा हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में, 25 लाख किलोमीटर। ये तो अब जाकर के कोरोना काल में थोड़ा हरिद्वार ज्यादा ठहरना पड़ा है, नहीं तो कभी सुबह कहीं, दोपहर कहीं, सांझ कहीं, चरैवेति चरैवेति। और भारत की सारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा, लगभग 99% महर्षि सिद्धानंद इस बात को बहुत कहते थे कि कुछ तो एक विचार पर सब मिल करके ये तय करो कि हम इस देश को कहां लेकर के जाना है, किस प्रकार से हम अपने जड़ों से जुड़ते हुए वेदों के साथ एकात्म होते हुए और कैसे इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। इस भारत को विश्व गुरु बनाने का, इस भारत को परम वैभवशाली बनाने का और भारत की गुलामी के समय भी इस देश की आजादी का किसी ने सपना देखा और उसको कहने की हिम्मत की तो महर्षि सिद्धानंद सरस्वती थे। नहीं तो उस समय अंग्रेजों के जमाने में भारत की स्वाधीनता की बात करना यह तो उस समय अपराध था राजनीतिक दृष्टि से। और उस समय अंग्रेजों के वक्त में ईसाइयों का की आलोचना करना सत्यार्थ प्रकाश में, यह तो कैसे हो सकता था। जिस समय देश में बहुत बड़े बड़े ये जो इस्लामिक शासन थे और बड़े क्रूर, उस वक्त इस्लाम की आलोचना करना और मात्र आलोचना करना कोई मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि सत्य की अन्वेषणा करो, तर्क के साथ, युक्ति के साथ, तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता के साथ, एक चिंतन का प्रवाह था सत्य की खोज का। खैर, तो मैं अभी कुछ व्यवहारिक बातें करना चाहता हूं। हमें अब शिक्षा व्यवस्था को बदलना है और शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे भाषाओं का बोध तो करें। आज हम गुरुकुल चलाते हैं, पतंजलि गुरुकुलम के बालक कम से कम 5 भाषाओं का बोध रखते हैं और 10-11 साल के बच्चे को कम से कम 21 शास्त्र कंठस्थ करवाते हैं। 21 शास्त्र, पंचोपदेश, पंचदर्शन, 9 उपनिषद और श्रीमद् भगवद् गीता और छोटे छोटे शास्त्र एक एक दिन में। एक हमारे पास में ऐसे 20-25 बच्चे एक 8-8 घंटे में पूरी भगवत गीता याद कर ली, 8-8 घंटे में, एक एक दिन में पूरा का पूरा धातु पाठ याद कर लिया 2000 धातुएं।
और एक एक दिन में 500-500 अष्टाध्याय के सूत्र, 500-500। हम लोग अरे इतनी बड़ी अष्टाध्यायी तो बड़ी कष्टाध्यायी है, 4000 सूत्र है बेटा, तो 15-15 दिन में, 10-10 दिन में, एक एक महीने में, दो दो महीने में याद करने वाले सैकड़ों बच्चे, इस समय करीब 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं ऐसे बच्चे तैयार हों जिनके भीतर ऐसा व्यक्तित्व हो, जिनके भीतर ऐसा चरित्र हो, जिनके भीतर ऐसा नेतृत्व हो, वो देश नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाए, वो सामर्थ्य है गुरुकुली शिक्षा परंपरा में। अपने भीतर वो जज्बा होना चाहिए। और देखो भाई, मैं विश्व के बड़े मंचों पर भी जाता हूं और मैंने तो अभी तक खुद 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो बड़े कार्यक्रम किए। ये वर्षों के बाद शायद ऐसे 100-200 लोगों में तो हमने कभी कोई बात अभी रखी ही नहीं है पिछले कई दो तीन दशकों से। जब हम पहली बार यहां हरिद्वार में आए, वैसे तो मैं सबसे पहले घर से निकला था गृह त्याग करके, तब हरिद्वार ही आया था। फिर मैंने आप पूछा भाई मुझे गुरुकुलीय परंपरा से, जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है, ऐसे मुझसे अष्टाध्यायी महाभाष्य प्रक्रिया से पढ़ना है तो मुझे कोई गुरुकुल का एड्रेस बता दो। मुझे किसी ने बताया नहीं यहां गुरुकुल है। फिर मेरे को किसी ने बताया यहां एक गुरुकुल तो है, लेकिन वो इस प्रक्रिया से नहीं पढ़ाते। तो फिर मैं योगधाम में पहुंच गया, इधर एक योगधाम था, तो मैंने कहा जी आपके यहां पढ़ाते? बोला हमारे यहां तो नहीं पढ़ाते। मैं 3 दिन हो गए मुझे, मैं खाना नहीं खाया था क्योंकि घर से निकला था और बस एक ध्येय था कुछ करना है और गुरुकुल में जाकर के पढ़ना है, गुरुकुल का एड्रेस पता नहीं। चले जा रहे। फिर एक एक आर्य समाज मंदिर है ज्वालापुर में, वहां एक वानप्रस्थ जी थे, वो बैठ करके को बिहार के थे शायद, चिवड़ा खा रहे थे, पता नहीं जो भी थे मेरे को याद नहीं, पंडित सीताराम हमको पता नहीं दोबारा मिले नहीं, अभी हैं चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना है, वो चिवड़ा खा रहे थे, बोले ब्रह्मचारी कुछ खाया? मैंने खाया तो नहीं, तो बोले ले चिवड़ा खा ले। तो उसने आधी कटोरी खुद खा ली, आधी हमको दी, हमारे तो पेट में दर्द हो गया, हमने कभी चिवड़ा खाया ही नहीं था, हम बाजरे की रोटी खाने वाले। तो जो है वो हमने कहा तो मामला गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा महाराज गुरुकुल का एड्रेस बता दो, चलो पेट पाट तो ठीक कर लेंगे कपाल भाती करके। तो बोले आप जो है वहां जाओ भोला झाल में। हम भोला झाल में गए तो बोले भाई तुम तो बड़े हो गए हो, हमारे यहां तो 5वीं कक्षा में लेते हैं गुरुकुल में। तो मैंने कहा महाराज फिर अच्छा हम ज्यादा हमको बात करनी आई नहीं, गाँव के आदमी से। तो मैंने कहा क्या करें? बोले आप गुरुकुल कालवा में चले जाओ। मैं कालवा में गया तो बेटा अभी तो उम्र तुम्हारी छोटी है, दाढ़ी मूछ आए नहीं अभी तुम्हारे। उन्हें आगे टरका दिया। तो फिर खानपुर में पहुंच गए। मैंने कहा जी हमको गुरुकुल में पढ़ा लो। बोले हम पढ़ा तो लेंगे लेकिन तुम्हें घर पहले बताएंगे, नहीं तो तुम्हारे घर वाले हमको पीटेंगे। तो मैंने कहा जी मैं तो घर से भागा हुआ हूं और घर वापस नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने चुपके से घर पत्र लिख दिया। दूसरे तीसरे दिन बापू लठ लेके आ गया, बोले तुझे धरती में गाड़ता हूं पढ़ाता हूं अभी तेरे को गुरुकुल में। मैंने कहा बाप पूछे धरती में गाड़ दे से आसमान में उछाल दे, पढ़ूंगा तो गुरुकुल में, मैं भी तेरा ही पैदा किया हुआ हूं। ऐसे आदमी को इरादे का पक्का होना चाहिए। मैं बच्चों से बोलता हूं विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जब और लगन ऐसी होनी चाहिए, बड़ी सोच। मैंने लाखों बच्चों को ये 3 वाक्य बोले हैं, बड़ी सोच। बोलो बच्चों क्या बोला? बड़ी कड़ी मेहनत। क्या बोला? और पक्का इरादा। क्या बोला? बड़ी कड़ी पक्का। और बस चलते रहो। जिस स्वामी रामदेव के पास में कोड़ी नहीं थी, हम हरिद्वार में आए थे तो पैदल चलते हुए आए थे, चवन्नी भी नहीं थी, बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दी। आजकल चवन्नी ना मिलती। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के पास क्या था? मैं तो कहता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास में अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा थी, मेरे पास में वेदों का ज्ञान था, मेरे पास में महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद का विचार था, और वही सच्ची संपत्ति है हमारी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब युग बदल रहा है और गुलामी की निशानी की
को अब मिटाने के लिए शासन भी प्रयास कर रहा है, और हम भी जो अलग अलग प्रकार की शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, अलग अलग प्रकार की दरिद्रताएं, इनसे अपने आप को मुक्त करके और अपने अतीत के गौरव को, सनातन के गौरव को, वेद और ऋषि परंपरा के गौरव को अपने हृदय में संजो करके, मैं तो लगभग लगभग 5-10 दिन में एक भजन गाता ही रहता हूं, तो आर्य समाज में बहुत गाया जाता है, उसको हम जीते हैं। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। ओ प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, ओ पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। ओ भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। तो बहुत संभलना है अभी तो, और बहुत काम करना है। और इसलिए जो आंदोलन महर्षि दयानंद ने, जो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया था, शुद्धि का आंदोलन, ये केवल मात्र एक धार्मिक अनुवाद के खिलाफ ही नहीं था, शास्त्रों का शुद्धिकरण, सनातन धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या, अभी तो बहुत बड़ा विषय है, उसके विस्तार में नहीं जा रहे। सनातन धर्म के नाम पर, ऋषियों की परंपराओं, शास्त्रों के नाम पर, महर्षि दयानंद ने एक वाक्य कहा, जो इस देश का दुर्भाग्य रहा, जो संस्कृत में लिखा उसी को शास्त्र मान लिया। तो संस्कृत में तो ओ गर्धवा है मूर्खा भी बोलते, तो कोई संस्कृति थोड़ी है। तो संस्कृत में लिखने से कोई शास्त्र नहीं हो जाता, और न जाने क्या क्या कारण रहे, किसी को 2 कौड़ी दे दी, उसने कोई भी ठोक दिया, कोई तुलसीदास के नाम पर, कोई वाल्मीकि जी के नाम पर, कोई व्यास जी के नाम पर, ठोका ठाकी बहुत चली है। अब इन सारे ठोकने वालों को आपको ठोकना है अभी। तो ऐसे बड़े संकल्पों के साथ, ए जानो, पैंट शर्ट पहनो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जींस पहन लो, चाहे साबुत पहन लो, चाहे फटी हुई पहन लो। आजकल फैशन में फटी हुई भी पहनते हैं, बोलो हवा बाबा जी आप नहीं कहा था, हवा नहीं लगती इस चीज से। तो चाहे जींस पहनो, चाहे साबुत पहनो, चाहे फटी भी पहनो, बच्चों तुम्हें तुम्हारी चॉइस थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, ये स्वतंत्रता है। आर्य समाज बहुत ही ज्यादा तार्किक है इस मामले में, जिसमें आप थोड़ा बहुत कंफर्ट फील करते हो। ये मामला वस्त्र का नहीं है, मामला चरित्र का है। महर्षि दयानंद कहते, चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो। और इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हुए हमें नए नए सोपान चढ़ने हैं, और इतिहास पढ़ने भी हैं, और इतिहास घड़ने भी हैं, और जो गलत इतिहास लिखा हुआ इतिहास को ठीक करने की भी जिम्मेदारी महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के शिष्यों की, और हम ये करेंगे। कुछ समझ में आई बच्चों बात? तो तुम खाली इतिहास पढ़ो ही नहीं, इतिहास घड़ने वाले भी बनो, और ये सब होगा। आप सब बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं, आज आपको विटामिन डी बहुत मिला है, क्योंकि सब सूर्याभिमुख बैठे हैं, और हम सब तो सूर्य के उपासक, हम स्वस्थ पंथा मनु चरे सूर्य चंद्रमसा विवा। तो हम सूर्य की भांति कभी ना रखने वाले, कभी ना थकने वाले, और सदा प्रकाशमान रहने वाले, एक क्षण के लिए भी अंधेरों का स्वागत नहीं करना जिंदगी में। लास्ट बात क्या बोला, एक क्षण के लिए भी जीवन में अज्ञान अंधेरे का स्वागत, और ज्ञान का कभी अनादर, एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अशुभ का, अधर्म का, पाप का आदर नहीं करना। परोपे ही मनस पाप है किम सस्तानी संस, ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। और एक क्षण के लिए भी वेद मार्ग से, ऋषियों के मार्ग से डिगना नहीं। संस्कृतेन गमेमही मा श्रुतेन विराधीसी, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह हमारी परंपरा रही है, तो हमको अपनी वेद परंपरा, अपनी ऋषि परंपरा, अपनी सनातन परंपरा पर गौरवनीय होना चाहिए,
उसमें चल के दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग खाली भाषण बहादुर होते हैं, भाषण बहुत जोर का ठोकते हैं, लेकिन आपको अब कोई कहता है गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता, तो गुरुकुल में पढ़ने वाला लाखों करोड़ रुपए का ब्रांड भी बना सकता है। ये स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने करके दिखाया। सारी दुनिया आज तो वेल्थ के पीछे, सक्सेस के पीछे, करियर के पीछे। आज साधु संत कहते हैं खुद बेरोजगार हुआ करते थे, हमने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया इस देश में, 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हमने। इस देश को एक दिशा दी है कि आप आगे बढ़ो, आप में अपरिमित शक्ति है, और उस शक्ति को जानो, शक्ति को जगाओ, सही दिशा में लगाओ। तो हम आज प्रतिबद्ध होकर के जाएं। ये जो यात्राएं निकाली जाती हैं, ये महापुरुषों के बलिदान दिवस को जो हम याद करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी को जो याद कर रहे हैं, खाली ये श्रद्धांजलि कोई सभा नहीं है, ये कोई मात्र एक औपचारिकता नहीं है कि हम गुरुकुलीय परंपरा के, इसलिए एक दिन तो हमें थोड़ा सा एक राउंड लगा करके आना है शंकराचार्य से चौक से होकर के, और पूरा ये तो एक उस महापुरुष के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके सपनों को याद दिलाने के लिए एक मात्र अनुष्ठान है, लेकिन अभियान बड़ा ये है महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति गौरव, उनके उनके लिए अपने हृदय में सर्वोपरि श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के। मैंने अपने हिस्से में जिम्मेदारी ली हुई है कि आने वाले कम से कम, अभी तो हमने यात्रा शुरू ही की है, 50 सालों तक ऐसे ही देश ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का डंका बजाना है, और पूरी दुनिया फिर से वेद के पथ के सबसे, हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे अरे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा, लेकिन वो ऊंचा रखने के लिए भी हमने देखा विदेशों में जाके कहीं ओम का झंडा तो लगी नहीं रहा, ये तो खाली हम यहां भारत में बैठे गुरुकुलों में बैठे बैठे खाली नारे लगा रहे हैं। तो एक दिन ओम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा, वेद का झंडा, भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा, ऐसे हमें अपने आचरण से करके दिखाना है। ऐसा आज संकल्प लेकर के जाना, उस संकल्प की पूर्ति हेतु एक एक पल आपको फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बच्चों, मैं बहुत दिनों के बाद हरिद्वार के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं, क्योंकि ये जो डेजिग्नेशन होते हैं ना लोगों के पास, कोई सीएम है, कोई गवर्नर है, कोई पीएम है, उनके जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो मिनट टू मिनट बनता है। हमारे तो भाई सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मिनट टू मिनट बनता है, रोज 365 दिन, तभी तो भाई काम होता है, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो आज भी मिनट टू मिनट बना हुआ था, फिर मैंने सोचा अभी मैं, मुझे अभी योग ग्राम से इधर आना ही था, तो मैंने कहा भाई चलो अब गुरुकुल, अब देखो भाई अब अपने हमारी आत्मा है, गुरुकुल क्या है, हमारी आत्मा है। तो मैंने कहा भाई अब देखो भाई, हम गुरुकुल वाले तो जैसे जुरंद कुमार जी बोल रहे थे भाई सबको एक होना ही चाहिए, तो भाई हम तो गुरुकुल वालों के साथ एक आत्मा है। सुन रहे हो बच्चों, और किसी को बाबा बनना तो आ जाना, इसमें बड़ा फायदा है। अब तो बाबा बनने से कोई योगी आदित्यनाथ की तरह सीएम बनने का भी मौका मिल सकता, अब तो देश का पीएम भी बाबा ही है, और जहां बाबा वही बाबा है, बाकी तो वही ठीक है, दाल रोटी खा रहे हैं। तो सुनो बच्चों, जिनमें कुछ ज्यादा ही जज्बा हो, कोई पूछ रहे थे यूपी में कहा बा, मैंने कहा सब कुछ बा, अब तो कहा बाबा सभी यही चल रहा है। तो सुनो अभी, अच्छा इधर कुछ ठंड गर्मी लग रही थी, इधर आ गए तुम, कोई बात नहीं, हो गया, यही रहो, बड़े अच्छे लग रहे हो। तो हम गुरुकुल में पढ़े हुए, अब एक दो थोड़ी हंसी मजाक की बात कर ले, सीरियस बात तो बहुत हो गई। हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हम मुंबई में चले गए, घूमते घूमते देश में शिविर कर रहे थे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था, उसमें 4 मैदान करके वहां बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई हैं, तो करीब सुबह 1 लाख और शाम को 1-1 लाख लोग आ रहे शिविर में। जब मैं शिविर से निकलूं तो लोग हाथ में फूंक मारे, तो मैं 2-3 दिन तक तो देख रहा,
फिर चौथे दिन मैंने पूछा ये लोग हथेली में फूक मारते हैं, कोई परंपरा है क्या? बोले बाबा आपको फ्लाइंग किस दे रहा है? अच्छा हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हमको किसका ही नहीं पता तो फ्लाइंग किसका मतलब क्या, समझा? फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फ्लाइंग किस क्या होता, बोले करके दिखाऊं क्या? मैंने कहा भाई मामला कुछ गड़बड़ा है। फिर बोले बाबा जी आपके फैन हैं, तो हम बहुत, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, कोई हंसी मजाक की नहीं। तो मैंने कहा फैन तो ये ऊपर घूमते हैं। बोले जी वो ऊपर घूमते ही आपके पीछे पीछे घूम रहे। और हद तो तब हो गई जब मैं यूके में गया। अच्छा हम भी इतने देसी आदमी, हमने सच में इधर उधर का कोई कार्यक्रम देखा ही नहीं दुनिया का, अपने काम के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो वहां हमारा हेरोइक बहुत बड़ा मैदान, वहां भी बहुत बड़ा शिविर हो रहा। तो एक मैया आई, बोले बाबा जी आपके साथ में हग करना। मैंने कहा मैया अपने घर में हग? तो हम गुरुकुल वाले जिनको ना हगने का पता ना मूतने का पता, हमको तो लघु शंका और शोच ये दो शब्द सुन रखे थे। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं, ये दुनिया के चौचलों के चक्कर में मत पड़ना रे छोरो, और सेम टू यू छोरियो। अब इनको मजा सा आया। आजकल यूट्यूब पर इतनी बकवास होती है और कुछ तो उसी में घुसे रहे। फेसबुक अपना फेस ठीक ठाक है नहीं, उसकी हवाइयां उड़ी पड़ी है। किसी किसी का तो चेहरा ऐसा हो रखा है जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो। बावड़ो बोला बाबा ऊंचा नीचा उठो तो सूरज चांद से टूटे। मैंने कहा सारा ब्रह्मांड ही टूटेगा, थोड़ा बहुत उठ के सूर्य नमस्कार कर लिया कर, थोड़ा दौड़ लगा लिया कर, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बावड़े बावड़े काम करते हैं। तो बच्चों अपना आहार, अपना विचार, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, उसमें सात्विकता होनी चाहिए। दुनियादारी के चक्करों में मत पड़ना, ज्यादा समझदारी से चलना। ये दुनियादारी बड़ी खतरनाक है। राजस्थान में एक लोक गीत गाते हैं, दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजो ए, हिले मोरी निरबरई जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता सांच कमाई जोए, हिले मारी निरबरई जोए, इनकाया में अष्ट कमल अष्टा चक्र नव द्वारा देवानामपुर अयोध्या, इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जोए, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दई जोए, हिले मारी निरबरई जोए। तो करें क्या, गुरुओं ने जो ऋषियों ने मार्ग बताया उस पर चलो, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जोए, हिल मारी निरभय रही जोए। तो सुनो बच्चों, दुनियादारी में ज्यादा फंसना मत, समझदारी से काम लेना, थोड़ी देरी का मजा और जिंदगी भर की। सबको पता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर बैठे। तो बच्चों अपनी जिंदगी में हमेशा समझदारी से, जिम्मेदारी से, अपने ध्येय के अलावा होना चाहिए। मेरे साथ बोलो उत्तिष्ठता जागृता, यो जागार तमृजक कामयंते, यो जागार तम सामानयंति, यो जागार तमयम तवाहमस्मि सख्यनो कह। अब सोम इधर भी बैठे हैं, इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। पहली बार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का सबसे सीधा पादरा वीसी बना भाई, सात्विक आत्मा एकदम एकदम देव आत्मा, ऋषि आत्मा, बहुत ऐसी सात्विक आत्माएं होनी चाहिए जीवन में, सात्विकता हो। तो आदरणीय प्रोफेसर सोमदेव जी, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर महावीर जी, इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं। देखो भाई भगवान ने हमको अब क्या करे, देश ने हमको बड़ा बना दिया, हमको तो पता ही नहीं लगा हम कब बड़े बन गए। हाँ एक दिन मेरे से एक बोलो जी बाबा जी आप बहुत बड़े हो गए। मैं देखा चारों तरफ,
उतना का उतना ही हूं, लेकिन सब लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है। और एक बात आपको कहता हूं, जब आप आगे बढ़ते हो ना, देश नहीं पूरी दुनिया आपसे कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे अपने आप को तैयार करो और ऐसे ही आपको बनना है बच्चों। तो मैं सभी अपने श्रद्धे यहां पर वरिष्ठ जन हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जलंत जी, प्रोफेसर महावीर जी, प्रोफेसर भारत भूषण जी, इन सब से हमारा पुराना प्रेम है, प्रोफेसर ब्रह्मदेव जी, ये भी घने दिनों के अंदर आए, उस दिन मेरे साहब रिटायरमेंट होने से पहले आ गए, एलपी पुरोहित जी, श्री देवेंद्र गुप्त जी, अंबुज कुमार जी, समस्त सुधीजन विद्वान सब, आप सब दिव्य आत्मा, मैं आप सबके एक एक के भीतर महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की आत्मा देखता हूं। आप सब ऐसी पवित्र आत्मा हो। ये तो अब ये छोटा सा मंच बना दिया, अब आर समाजियों के पास पैसे कभी टूटता ही रहता है थोड़ा, इसलिए कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई इसकी कोई परवाह नहीं, और तनख्वाह भी मिलनी के मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो ठीक है। तो कम से कम इस समय देश में ऐसी सरकार है भाई, थोड़ी बहुत कुछ ऊंची नीची हो तो मदद कर सकते हैं, करेंगे थारी सबकी मदद करके। इस विश्वविद्यालय को मैं चाहता हूं, गुरुकुल कांगड़ी जो है ना, इसमें महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के सपनों का पूरा होने वाला कार्य होना ही चाहिए। ये एक यज्ञ भूमि है, ये यज्ञ भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये हमारे उस पिता की भूमि है, उस गुरु की भूमि है जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो आप सब महापुरुष यहां हैं, और जैसे प्रोफेसर महावीर जी ने कहा, कल्याण मार्ग का पथिक, और ये मेरे पिता, और ये जो कुछ छोटी छोटी किताबें हैं ना, ये जरूर पढ़ा करो बच्चों। हाँ, इन एक एक जो विचार है ना, वो करोड़ों अरबों खरबों का होता है। कुछ लोग कहते हैं दुनिया में एलन मस्क सबसे अमीर आदमी है। एलन मस्क जो है, उसने ये तो एक कैपिटल मार्केट की अलग तरह की एक बनावटी दुनिया होती है। सबसे अमीर आदमी वो नहीं है जिसके पास में संपत्ति है, सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास में सात्विक मति है। इसलिए अपने इन महापुरुषों से प्रेरणा लीजिए, और आज का यह जो स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, इसको हम इस रूप में यादगार बनाएं कि एक एक बालक यहां से ऐसा संकल्प लेकर के जाए कि वो स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और ये तमाम जो हमारे गुरुकुलों के एक एक हीरे बैठे हुए हैं, ऐसे जीवन में आप कुछ बड़े कीर्तिमान इतिहास रच करके दिखाएं। बोले महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की।